हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेमस स्वीट रेसिपी मोहन थाल, जो कि गुजराती मिठाइयों में से एक है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और जिसे मैं आपको हलवाई स्टाइल में बनाना बताऊंगी। और ये बहुत ही सिंपल है, फटाफट बन जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। और इसके लिए चाहिए ये इंग्रेडिएंट, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिएगा 1 कप बेसन, इसमें डालेंगे आप 2 बड़े चम्मच दूध और 2 बड़े चम्मच घी, जैसे कि मैंने आधा कप घी लिया है जो हम बाद में बेसन सेकने के लिए यूज़ करेंगे, उसमें से अभी 2 बड़े चम्मच घी निकाल लिया है। और दूध और घी दोनों ही आपको थोड़े कुनकुने लेने हैं, मतलब थोड़ा सा ये गर्म होने चाहिए। अब इसे आप मिक्स कर लें, चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। दूध और घी अभी थोड़े से गर्म है, इसलिए आप चम्मच से पहले इसे मिक्स कर लें। और उसके बाद अब हाथों से इस तरीके से आपको मिक्स करना है, जैसे कि दूध और घी अच्छे से बेसन में लग जाए और बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाए। और इस तरीके से आपको हाथों से करते हुए इसको बिल्कुल एक जैसा कर लेना है। इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में इसको इस तरीके से रगड़ते हुए एक जैसा बिल्कुल कर लें। घी और दूध बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे जैसे बेसन में। और हम इसे बिल्कुल नहीं छानेंगे, हम इसे डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे ही सेकेंगे। और उसका एक कारण भी है, अगर आप इसे छान लेंगे तो वो जो टेस्ट होता है वो वैसा नहीं आएगा जो बिना छाने बेसन का आएगा। उसका कारण ये है कि जब हम इसको ऐसे ही सेकेंगे तो ये जो दानेदार रहता है उससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आएगा इसका। और यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म रख दी है, इसमें डालेंगे बचा हुआ आधा कप घी, इसे गर्म कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे बेसन और इसे अब हमें सेकना है। तब तक हम सेकेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। और गैस की फ्लेम जो है कम ही रखनी है हमें, तेज नहीं रखनी, अदरवाइज बेसन नीचे चिपकने लग जाएगा और अच्छे से सिकेगा नहीं। तो आपको इसे गैस की फ्लेम को कम रखकर सेकना है, हिलाते रहिए इसे। थोड़ी मेहनत लगेगी ज़रूर, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बीच में आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। और ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा इसको सेकने में, बहुत ही जल्दी सिक जाता है। देखिए इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और बेसन को जब हम इस तरीके से घी में सेकते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई। ये देखिए इसका कलर अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मेरे को इसको सेकने में 5 से 6 मिनट लगे हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है जब बेसन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको सेकना है, क्योंकि गैस की फ्लेम कभी कम होती है, ज़्यादा होती है, कभी आप क्वांटिटी आप ज़्यादा लेते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। आप इस तरीके से इसे चेक करें ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा ये सिका है। और इसमें देखिए आप दाने दाने जैसे दिख रहे हैं, यही इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अब यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, अब इसे हम 15 मिनट तक ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ अब यहाँ रखा है मैंने तपेली, और इसमें अब हम बनाएंगे चाशनी। तो इसके लिए चाहिएगा 1/2 कप शक्कर और इसमें डालेंगे अब 1/3 कप पानी। और इसे अभी मेल्ट कर देते हैं पहले शक्कर को। तो इसके लिए गैस की फ्लेम को तेज करके आप फटाफट से शक्कर को मेल्ट होने दीजिए, उसके बाद आप गैस की फ्लेम को कम कर लें। जिसमें हिलाते रहना। और इसको अब देखिए आप, ये देखिए अभी ये अब चाशनी इसकी बनना तैयार हो रही है। इसको पहले चेक कर लेते हैं, बीच में आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, थोड़ी सी आप चम्मच में चाशनी लें, उसे ठंडा कर लें हल्का सा, जिससे आपको गर्म ना लगे। और उसके बाद बीच में उंगलियों के बीच में इस तरीके से रख के आप इसे चेक करेंगे तो आपको एक तार की चाशनी दिखाई देगी। अभी नहीं बन रही है, अभी ये टूट रही है, मतलब कि चाशनी हमारी नहीं बनी है। एक और तरीका है, बहुत ही सिंपल है। कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए, 2-3 चम्मच पानी ले लें उसमें, और उसमें चाशनी की 1 ड्रॉप डाल दें और आप उसे हिलाएंगे पानी को। अगर चाशनी उसमें मिक्स हो गई है तो मतलब कि हमारी अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है। और अगर वो मिक्स नहीं होती है, वो बिल्कुल वहीं जहाँ पर आपने ड्रॉप डाला है वहीं स्थिर हो जाती है, वहीं रह जाती है, मतलब कि चाशनी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल वे है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली।
देखिए अभी हम फिर से चेक कर लेते हैं, बीच में आपको चेक करते रहना है, नहीं तो कभी चाशनी ज़्यादा टाइट नहीं हो जाए। तो इस तरीके से ये पहले मैं ये कटोरी में पानी लिया है, इसमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाल देती हूँ। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, पानी में ये चाशनी मिक्स नहीं हुई है, जहाँ पर हमने डाली थी वहीं रह गई है, यानी कि हमारी चाशनी परफेक्ट है, तैयार हो चुकी है। इस तरीके से एक तरीका है, या फिर आप चम्मच में जब चाशनी लेके अब इसे उंगलियों के बीच में ऐसे लेके देखेंगे तो ये देखिए दो तार बन रहे हैं, बिल्कुल तार बना हुआ है, बिल्कुल नहीं टूट रहा है, यानी कि चाशनी तैयार हो चुकी है। गैस बिल्कुल बंद कर दीजिए अभी फटाफट। अब इसमें डाल देते हैं 2-3 इलायची का पाउडर और इसे अब हम बेसन में डाल देते हैं और इसे हिलाते भी जाइए। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चाशनी को, इसे आप हिलाते रहिए, धीरे धीरे ये थोड़ा मिश्रण टाइट होता जाएगा। अगर आपकी चाशनी पतली रहती है, कभी कुछ गलती हो जाती है तो ये मिश्रण टाइट नहीं होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप कढ़ाई में ही रहने दीजिए मिश्रण को और इसे हिलाते रहिए, धीरे धीरे ये टाइट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो वो ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे थाली में जमाएं। या फिर आप वो नहीं जम रही अच्छे से थाली तो आप उसे फ्रीज में रख के थोड़ी देर सेट होने दीजिए और फिर निकाल के देखेंगे तो वो आपको पीसेस उसके बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है। और अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई है, ज़्यादा टाइट हो गई है और आपका मिश्रण भी बहुत टाइट लग रहा है, तो उस केस में आपको आधी चम्मच दूध लेना है, आधी या पहले क्या करना, 2-3 ड्रॉप डालना दूध की, मिक्स करना। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा मिश्रण सही है, अब वो जम जाएगा, तो आप उसको थाली में निकालें, अदरवाइज थोड़ा सा और दूध डालना। तो दूध जो है आप डाल लें तो वो गर्म करके डालना है और फिर उसके बाद आप उसे थाली में निकालें। ये देखिए, ये इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और इस तरीके की जब कंसिस्टेंसी हो जाती है तो आप इसे थोड़ी देर और 4-5 मिनट तक कढ़ाई में रहने दीजिए, बीच में हिला लें और फिर इसे हम थाली में निकालेंगे। थाली को या फिर जो भी टीन वगैरह आप जिसमें आप जमाना चाहते हैं उसको भी ग्रीस कर लेते हैं, घी से आपको इसे ग्रीस कर लेना है अच्छे से, इसे मिठाई की पीस बिल्कुल अच्छे से निकले। अब यहाँ पर ये इसे डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच बादाम काट लिया है मैंने, इसे डाल देते हैं। और ये यहाँ पर मैं पिस्ता ले रही हूँ, ये भी 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने, करीबन 8-10 पिस्ता होगी। तो ये आप जैसे ये इस टाइप की पिस्ता मिलती है, तो आप मार्केट में पिस्ता कतरन मिल जाए तो पिस्ता कतरन लिया है, और अगर नहीं मिलती तो भी पिस्ता मिलेगी, तो उसके छिलके इजीली नहीं निकलते, तो इसे आप थोड़ा सा रोस्ट कर ले, थोड़ा सेक ले, कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा सेक ले, हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद आप छिलके निकालेंगे तो बहुत ही इजीली इसके छिलके निकल जाएंगे, और फिर इसको काट ले। अब ये भी डाल देते हैं हम। अब इसे आप 2-3 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही इसे रहने दीजिए, ढक दें इसको और इसे ठंडा कर लें, जिससे फिर इसके अच्छे पीसेस बन जाएं और ये चीज़ जम जाएगी। तब तक 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे और ये देख लिए कितनी अच्छी इसकी मिठाई जम चुकी है, ये देखिए। तो अब इसको हम काट लेते हैं। इस तरीके से आपको मनचाहे आकार में काट सकते हैं आप, मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। तो देखा आपने कितना इजी है मोहन थाल बनाना और बहुत ही जल्दी बन गया है, कोई टाइम नहीं लगा है और इसका टेस्ट वाकई बहुत ही लाजवाब होता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।